तो दोस्तों इस बार जो है मैं अपने एक फ्रेंड के साथ खेल रहा था। जो नंबर वन है वो मेरी फ्रेंड है और नंबर थ्री जो है वो उसका फ्रेंड है, और ऑटो मैचिंग जो है बंद कर रखी थी इन्होंने, इसकी वजह से जो है यहाँ पे नंबर फोर कोई रैंडम प्लेयर नहीं आया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैं इनसे काफ़ी देर से पूछ रहा था भाई कहाँ पर जाना है कहाँ पर जाना है, तो ये जब इन्होंने बताया नहीं, मैं काफ़ी देर से पूछ रहा था इनसे, तो मैं इनके पास जाके बोला इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो नंबर वन बोली पोचंकी। फाइनली नंबर वन ने जो है बोला पोचंकी जो है चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मार्क कटाओ अपना, मैं जो है अपना मार्क लगाता हूँ, और फटाफट से इनको इनविटेशन भेजा मैंने इनको, और इन्होंने मेरे को फॉलो कर लिया। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार जो है आरबी सेक्शन में मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा आ चुका है, और यहाँ पे जो आप देखते हैं मेरे जो नीचे डकैत है वो भी, इसको मैं ही मारूंगा, तो आप देखना आगे गेम में कैसे मारता हूँ। तो अभी हम जो है पोचंकी के लिए चल पड़े थे, तो पोचंकी जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई काफ़ी सारे मिशन है पोचंकी में, चलो वो भी पूरे हो जाएंगे, M416 और स्कारल से जो है 20 बंदे मारने, तो वहाँ के कुछ मिशन भी वो पूरे हो जाएंगे। तो अच्छा था कि पोचंकी जा रहे थे, और इस बार जो है आप लोगों को कुछ नया दिखा रहा था, स्पॉन आइलैंड हमेशा दिखाता हूँ, तो मैंने कहा चलो इस बार पोचंकी भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैं पोचंकी नीचे उतर रहा था तो मैं सोच रहा था काफ़ी सारे बंदे उतरेंगे, लेकिन यहाँ तो मैंने देखा कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, तो मैं सोच रहा था अबे यार ये क्या हो गया, मतलब कोई बंदा आया नहीं तो फाइट किससे करेंगे इधर। और जैसे ही दोस्तों हम नीचे उतर रहे, तो आप देखना मेरे साथ अभी क्या होगा, मैं जो है हवा में ही ऐसे कूदता हो जाऊँगा, और ये जो मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो गई, तो यहाँ पर जो है मेरा नेट चला गया था। और यहाँ पे आप देखना मैं लेवल 2 का हेलमेट और यहाँ पे AR का स्टैंड उठा रहा हूँ, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था, तो मैंने फटाफट जो है अपना डाटा यहाँ पे जो है ऑन किया, उसके बाद देखा तो मैं तो कहीं और ही हूँ, मैं तो वहाँ पे हुई नहीं, तो लेवल 2 का हेलमेट तो क्या लेवल, मैं तो रोड पर भेज दिया इन लोगों ने। और उसके बाद क्या यहाँ पे जब मुझे लगा मेरा वाईफाई जो है वापस आ चुका है, तो मैंने वापस से अपने वाईफाई को शिफ्ट कर दिया। पोचंकी में मुझे लग रहा था कि कोई बंदा नहीं उतरा है, हम ही लोग हैं सिर्फ, क्योंकि काफ़ी सन्नाटा था पोचंकी में। ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फटाफट जो है हम गन ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट तो मिली, और यहाँ पे फाइनली एक मेरे को ट्रैक्टर मिल गई, यानी कि वेक्टर मिल गई। तो वेक्टर मिली, लेकिन वेक्टर से मुझे खेलना नहीं था, तो मैं एक अच्छी सी गन ढूंढ रहा था जिससे जो है थोड़ा बहुत मैं फाइट ले सकूं। तो यहाँ पे भागते भागते मुझे UMP भी मिल गई, लेकिन दोस्तों पोचंकी में जो है लूट काफ़ी अच्छी मिलती है अगर आप काफ़ी ज़्यादा घरों में सर्च करें, लेकिन यार मज़ा नहीं आया, क्योंकि यार मैं पोचंकी से ही बोल रहा था ये पोचंकी, तू बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि यार मतलब यहाँ पे इतने बंदे उतरते हैं लेकिन आज कोई बंदा नहीं दिख रहा, और यहाँ पे मुझे एक 4X मिल गया था, तो वो एक अच्छी बात थी, लेकिन काफ़ी बंदे उतरते हैं यहाँ पे, लेकिन आजकल जो है बंदे उतर नहीं रहे, पता नहीं क्यों इतना पोचंकी का खौफ है लोगों को, या फिर लोगों को लगता है कि यहाँ पे लूट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती है, पोचंकी इसलिए नहीं कूदते ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, लेकिन पोचंकी कूदना चाहिए, क्योंकि पोचंकी जो है काफ़ी अच्छी जगह है लूट के मामले में, और यहाँ पे अगर बंदे भी मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे किल भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई है ही नहीं, और जो है हम बेफिक्र होकर लूटने लगे। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था थोड़ी पट्टी चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे कुछ पट्टियाँ जो है अपने लगानी शुरू कर दी, और उसके बाद यहाँ पे एक पेप्सी भी पी ली, क्योंकि भागते भागते थक गया था, गला मेरा बिल्कुल सूख गया था। अब यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे एक तकिया पड़ा है, जो कि पहले मुझे दिखा नहीं था, तो ये शायद पबजी का ग्लीच था, तो पता नहीं क्या था, मेरे को पहले दिखा नहीं नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे मैं इधर से साइड से आया तो मुझे वो दोबारा दिख गया, तो यहाँ पे वो मैंने तकिया उठा लिया, क्योंकि आगे जाके काफ़ी काम आने वाला है तकिया। फाइनली मुझे भी अब लेवल 1 का हेलमेट मिल चुका था इतना ढूंढने के बाद, क्योंकि यहाँ तो हेलमेट भी नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी देर बाद जो है मुझे पहला लेवल 1 का हेलमेट मिला, और उसके बाद जो है मैं इस लेज़र को हटाना चाह रहा था, यार ये लेज़र जो है अपने आप आ जाती है, बड़ी इरीटेट करती है यार, क्यों पता नहीं गेम में बना रखी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अपने आप जो है आके गन के चिपक जाती है, तो इसको ऑटो पिकअप से जो है हटाना पड़ेगा लगता है सेटिंग में जाके।
दोस्तों मैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसे ही घूम रहा था इधर से उधर, मुझे लगा यहाँ पे तो कोई बंदा है नहीं तो फटाफट अच्छे से लूटते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गलत था। आप जैसे कि देख सकते हैं मुझे लेवल 2 का हेलमेट तो मिल गया था और मैं खुशी से ऐसे ही भागता जा रहा था मज़े से कि भाई ये चलो यहाँ कोई नहीं फटाफट लूटते हैं। टॉप से कुछ बंदे देखता हूँ क्या पता बन जाए, लेकिन अचानक से मेरे साथ हुआ, मेरे ऊपर एकदम से फायर हुआ आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर भी मैंने उसको यहाँ पे मार दिया। तो ये डकैत वही था जो जिसकी आरपी मेरे से थोड़ी सी कम थी और मेरे नीचे आ रहा था, तो मैंने इसको पेला और मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था भाई जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी आओ, मैं एक तकिया लगा रहा हूँ, जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझको बहुत डर लग रहा है, आज मैं मर गया मम्मी, आज मैं मर गया भैया। तो ऐसे करके मैं डर गया था और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को ये लग रहा था कि क्या कहते हैं भाई इसको फटाफट से जो है मारना है। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर बम फेंका, एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, उसको खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ, ऐसे देख रहा है, किसी ने पूछा कैसे हो हाँ? लेकिन यार वो बच कैसे गया मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब मैंने उसको एकदम निशाने में मारा था बम, लेकिन फिर भी वो बच गया किसी तरीके से। लेकिन इस बार जो है मैं उसको बचने देने वाला नहीं था, इस बार मुझे पता लग गया था कि दोनों वहीं पे आ चुके हैं और वो उसको रिवाइव कर रहा होगा, तो मैंने एकदम सटीक तरीके से जो है बम वहाँ पे फेंका, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी टाइमिंग आप देख रहे हैं, एकदम से नहीं फटा बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा ना माने तो फट लूँ, मैंने कहा जब आ गए तो फट लो, मेरी ओर देख के बम बोले। यहाँ पे दोनों का जो है हरा रंग निकल गया। अब ये दोनों वैसे तो आए नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों को मारा तो लूटने जो है बड़ी जल्दी आ गए, जैसे कि आप देखते हैं मैंने इनको फटाफट से यहाँ पे लूटा तो मुझे लेवल 3 का हेलमेट मिल गया, तो काफ़ी अच्छी लूट थी इनके पास, मुझे पेप्सी मिल गई यहाँ पे और मुझे यहाँ पे DP भी मिल गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के अलावा मुझे कोई और नहीं दिख रहा था, क्योंकि इन दोनों को हमने फिनिश कर दिया था और इनके अगर साथी होते तो वो अभी तक आ जाते, तो यहाँ पे अब हमें लग रहा था अब पोचंग की जो है पूरा खाली है और जो बंदे थे वो यही थे बस। तो अब जो हम फिर से अपनी जो है लूट जारी रखते हैं, फटाफट देखते हैं इधर उधर कुछ मिल जाए, लेकिन मैं जो था इतने संतुष्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेरे पास एक गन तो अच्छी थी, लेकिन मुझे अब एक स्नाइपर की तलाश थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्नाइपर चाहिए थी जिससे मैं जो है लोगों को थोड़ा बहुत जो है मार सकूँ। और यहाँ पे मैंने AR का एक्सटेंड जो है एक सप्लाई कर दिया था, मैंने कहा भाई यहाँ पे एक्सटेंड पड़ा है किसी को चाहिए तो ले लो। अब यहाँ पे भागते भागते मेरे को जो है एक एलियन शिप दिख गई थी जिसके अंदर बहुत सारा माल आता है, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि फटाफट जो है गाड़ी लेके आ, हम एलियन शिप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जादू बहुत सारा सामान फेंकता है और जो है बहुत अच्छी जो है उसमें लूट मिलती है। मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है ओके मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तुम भागो, लेकिन जैसे दोस्तों मैं भागते भागते कमलेश की तरह आ रहा था तो यहाँ पे मुझे एक बंदा फिर से दिख गया। अब यहाँ पे ये बंदा जैसे मेरे को दिखा तो यहाँ पे जो है मैंने बहुत ही गलत तरीके से ग्रेनेड करा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो ठीक है फ़ोन ठीक से लैग, जो मेरा फ़ोन है वो ठीक से काम नहीं करता और ये लैग होता तो बम जो है वो पता नहीं आर पार शायद जाके फटा होगा। तो अब यहाँ पे ये बंदा आया, इसको देखते मैंने बोला गार्डन में हूँ बेटा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन नंबर वन ने जो है उसको फिनिश कर दिया, तो ये बेचारा यहाँ पे लटक गया था और ये फंस गया था शायद, पता नहीं इसका भी लैग और था क्या और था, तो यहाँ पे ये अटक गया और ये यहीं पे मर गया। अब यहाँ पे मुझे एक पेप्सी मिल गई थी, लेकिन अब वो ड्रॉप नहीं दिख रहा था, जो ड्रॉप हमने देखा था जिसके तरफ हम भागते आ रहे थे वो ड्रॉप मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा था। तो अब बेसिकली हमने डिसाइड करा कि नेक्स्ट जो ड्रॉप आएगा उसको हम लूटेंगे, और यहाँ पे मुझे एक ATAX भी मिल गया था, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात थी क्योंकि मैं वैसे भी एक स्नाइपर की तलाश कर रहा था, तो ATAX तो मेरे को मिल गया था, अब बारी थी बस एक स्नाइपर की। अब यहाँ पे मेरी नज़र फिर से एक ड्रॉप पे पड़ी थी और उस बार मैंने फिर से कहा कि भाई नंबर वन जो है गाड़ी लेके आ जा, मैं जो है ड्रॉप की तरफ भाग रहा हूँ कमलेश की तरह, ढूंढ 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 ढूंढ। तो उसने बोला ठीक है तुम भागो कमलेश की तरह, मैं जो है आ रही हूँ गाड़ी लेके पीछे विमलेश की तरह। अब ऐसे ही भागते भागते जो है मेरे को ड्रॉप दिखना बंद हो गया था और मुझे शायद हो सकता है मैं अपनी डायरेक्शन से भटक गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ड्रॉप जो है कहाँ पे गया है, तो मैं जो है नंबर वन को जल्दी जल्दी बुला रहा था, मैंने कहा कहीं ड्रॉप छूट ना जाए पीछे ना रह जाए कहीं, तो तुम जो है फटाफट आओ, तो वो आ रही थी और उसके बाद जो है
मुझे तो ड्रॉप अप दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। हालांकि मैं जानता था जो ड्रॉप है वो राइट साइड में है, लेकिन फिर भी मैं इस साइड से इसलिए आता था कि मैं खुले भागूंगा तो मेरे को गोली पड़ सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही नंबर वन आई तो मैं गाड़ी कर बैठा और हमने जो है ड्रॉप की तरफ दोबारा से जाना शुरू करा। लेकिन मैं उसको बोला यार रोको, पहले ड्रॉप दिख नहीं रहा कहाँ पे है, पहले देखने दो ठीक से। तो जो है नंबर वन को अचानक से ड्रॉप जो है सामने दिख जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सामने है ड्रॉप का जो है धुआं थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो एलियन शिप जो है लैंड कर चुकी थी, उसमें जादू अपना सामान छोड़ चुका था। तो हम जो है एलियन शिप की तरफ फटाफट से भाग रहे थे। लेकिन मैं उसको बोला थोड़ा साइड में रोकियो, पहले चेक करते हैं बंदे हैं कि नहीं है, तो मेरे को यहीं पे उतार दो और फिर जो है तुम गाड़ी लेके जाओ आगे, अगर बंदे नहीं है तो तुम फटाफट दोस्तों में लूट लो। और मैंने बोला था भाई AWM छोड़ दियो और बाकी जो है लेना वो ले लेना। यहाँ पे मैंने चेक करा कि यहाँ पे कोई बंदा तो था नहीं आसपास, तो उसने जो है फटाफट वहाँ पे ड्रॉप लूट लिया। और मैंने उसको बोलता भाई AWM जरूर छोड़ दियो यार, देख चीटिंग मत करियो ठीक है, कहीं तो चीटिंग करे, तो AWM छोड़ दियो। और मैंने यहाँ पे जो है स्मोक करने की कोशिश करी, लेकिन जो वो है रोड के पार गिर गया और जो है स्मोक वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं था स्मोक करने का, लेकिन फिर भी जो है मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया। और उसके बाद जो है इसने मेरे लिए AWM छोड़ दी, तो मैंने UMP फेंकी और फटाफट से जो है यहाँ पे AWM उठा ली। दोस्तों जब AWM मिल गई है तो मेरे को यहाँ पे दूसरा ड्रॉप भी दिख गया था, तो मैंने बोला जल्दी दूसरे ड्रॉप पे भी चलते हैं क्योंकि ये प्लेन आ रहा है ये ड्रॉप छोड़ेगा। तो फटाफट जो है मेरे को एक और एलियन शिप दिख गई थी, तो स्पेस शिप की तरफ हम भागने के लिए यहाँ पे मैंने इसको बोला जल्दी तो इसने मेरे लिए गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी में बैठा इसके साथ। और मैंने कहा फटाफट जो है ड्रॉप पे ले लो, कहीं मत रोकना, अब जाके ड्रॉप के पास में ही रोकना और ड्रॉप लूटेंगे नहीं, पहले जो है आसपास वहीं पे रुक जाएंगे, अगर फायरिंग हो रही होगी तो पहले बंदे मारेंगे फिर जो है ड्रॉप को लूटेंगे। अब जैसे हम ड्रॉप के पास पहुंचे तो हमें जो है एक फायरिंग की आवाज़ आ गई, तो हम समझ गए थे बंदे यहीं पे हैं, तो इसलिए हम जो है गाड़ी से पहले उतर गए और जो हमने पोजीशन लेना शुरू कर दिया। अब ड्रॉप के पास एक पहले तो फायर के निशान आए थे, उसके बाद जो है गाड़ी के निशान भी आ गए। तो यहाँ पे अब जो काफ़ी बंदे आ चुके थे और हमारे जो प्लेयर है उसने एक बंदे को मार भी दिया था। तो इसके बाद जो है नंबर थ्री ने एक बंदे को जैसे किल करा तो मुझे वहाँ से भी गोली चलने की आवाज़ आई थी, तो मैं उस तरफ भागा और मैंने देखा कि वो जो गाड़ी है वो उस तरफ ही गई थी। तो फटाफट जो है मैंने कोशिश करी AWM निकाली और देखा कि वहाँ पे आसपास बंदा है कि नहीं, तो मुझे वो गाड़ी में बंदा दिख भी गया। तो सीधा मैंने उसके एक बॉडी शॉट दिया क्योंकि वो गाड़ी में था तो मुझे ठीक से दिखा नहीं, और उसके बाद जो है वो दूसरा निशाना जो है मिस हो गया। अब तीसरा बंदा यहाँ पे इसके बाद जो इसका दूसरा बंदा था वो मैंने देखा कि वो भी यहीं पे, तो उसका एक बॉडी शॉट पड़ा। उसके बाद जो है मुझे लगा पहले वो मेरे ऊपर एम कर रहा है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार वो ग्रेनेड कर रहा है या स्मोक कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं समझ गया था कि वो स्मोक कर रहा है और वहाँ पे वो बीड़ी पी रहा है और बीड़ी से वो धुआं करने वाला है। तो जैसे ही उसने धुआं करा उसके बाद मैंने उसका एक और शॉट दिया और वो नॉक हो गया, क्योंकि पहले ही शॉट में उसको काफ़ी डैमेज हो चुका था। और यहाँ पे ये बंदा था उसको मैंने पट से हेड शॉट मार दिया। तो इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको पट से हेडशॉट जैसे ही दिया तो यहाँ पे जो है दो गाड़ियाँ और आ गई, तो मैं यहाँ लेट गया क्योंकि डर के मारे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही ये गाड़ी रुकी तो मैंने इसके ऊपर फायर कर दिया और उसने मेरे जो दोस्त को है नॉक कर दिया। तो उसके बाद जो मैंने भी इनका एक प्लेयर नॉक कर दिया और मेरी जो DP है वो लोडिंग पे आ गई, वरना यहाँ पे इनका खेल मैं यहीं पे ख़त्म कर देता। काफ़ी मैंने इनको शॉट दिए फिर भी जो है ये बच गए और एक जो बंदा है वहाँ पे नीचे गिर गया। अब यहाँ पे मैंने देखा कि नंबर वन भी नॉक हो चुकी है, तो यार ये दोनों पता नहीं क्या खेल रहे थे, हर बार नॉक हो जा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैंने फटाफट से जो इनको रिवाइव करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा यहाँ पे एक और बंदा है, तो देखा तो भाई ये तो वही बंदा है जिसको मैंने नॉक किया था। तो फटाफट नंबर वन की हेल्थ कम थी, सबसे पहले मैंने नंबर वन को रिवाइव तो फटाफट से मैंने सबसे पहले नंबर वन को रिवाइव करा क्योंकि उसकी जो है हेल्थ काफ़ी कम थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो एक और बंदा था मैंने कहा इसको यार मुक्ति दे देनी चाहिए, तो इसको कोई रिवाइव भी नहीं करता, ये बोल रहा था भाई बुरी हालत है कोई बचा लो, तो किसी को तो किसी ने नहीं बचाया इसको। तो फिर पीछे से मैंने इसको हम पे ये किसने हरा रंग डाला तो मैंने इसके ऊपर हरा रंग डाल दिया और इसको मार डाला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे एक और गाड़ी का निशाना है, तो ये वाली गाड़ी थोड़ी अलग थी और इस बार जो है यहाँ पे ये दूसरे बंदे थे। तो बेसिकली हमने जो है काफ़ी कोशिश करी और मेरे जो टीममेट्स थे उनकी काफ़ी कम हेल्थ होने की वजह से, नॉक होने की वजह से हम उनको ठीक से नहीं मार पाए। लेकिन मेरे को वहाँ पे एक गोली की आवाज़ आ गई थी, तो मैं समझ गया था वहाँ पे भी कोई ना कोई बंदा ज़रूर है। तो मैंने फटाफट से जो है DP से AWM में शिफ्ट करा और मुझे थोड़ा शक हो गया था कि बंदा जो है आसपास ही है, तो मैं उसको अच्छी तरीके से देखने लगा।
अब यहाँ पे मैंने कहा कवर मिल गया तो एक पेप्सी पी लेता हूँ, क्या पता वो मेरे शॉट लगा दे, तो इससे पहले जो है एक पेप्सी पी लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मैं उसको काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे लगाने थे शॉट और मैं उसको ढूंढ के ही शॉट लगा सकता था। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर ढूंढ रहा था उसको, काफ़ी देर से मेरे को कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोच रखा था जैसे ही मिलेगा उसको शॉट लगानी है। तो फिर मेरे को अचानक से जो है ऐसा लगा कि वहाँ पे बंदा है, और मेरा इस बार जो है थोड़ा शक सही भी था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंदा यहाँ पे घूम रहा था और ये मुझे दिख गया, भागता हुआ जा रहा था, कमलेश की तरह छुप छुप के जा रहा था। तो मैंने जो इसके पहले एक बॉडी शॉट दिया और मैंने बोला शॉट लगानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैठ गया छुप के, तो इस बार जो है मैंने इसके एक प्रॉपर शॉट लगा दिया और ये नॉक हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा AW की गोली क्यों वेस्ट करनी है, क्योंकि वो इधर उधर हिल रहा था, तो मैंने DP निकाली और DP से मैंने बहुत तेज़ स्प्रे दिया, वो गलत था। लेकिन उसके बाद जो मैंने उसको सिंगल सिंगल टैप करके 2-3 गोली मारी और उसके बाद वो फिनिश हो गया। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। दोस्तों यहाँ पे मैंने उसको तो फिनिश कर दिया था, लेकिन जो मेरे टीममेट्स थे उसके बाद वहाँ पे फिर से जो है गोली चली, तो मैं उन दोनों के भागते हुए वापस जा ही रहा था। तो मैंने देखा इस साइड भी गोली चली, तो मतलब कोई ना कोई बंदा था अभी भी जो उस साइड में था। तो वहाँ पे मैंने देखा किसने फॉग भी कर दी है, और यहाँ पे बेसिकली ये डर था मुझे कि यार वो स्मोक में हो गए और हम जो है ओपन में है, तो कहीं हमारे ऊपर गोलियां ना पड़े। और इसी की कमी नहीं थी, यहाँ पे रेड जोन भी आ गया। अब ये रेड जोन आ चुका था, प्लस में यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई जगह थी छुपने के लिए, थोड़ा सा ही पेड़ था जिससे मैं थोड़ा बहुत लेटा हुआ था, और उन पर नज़र भी रखनी थी कि कहीं वो ही निकल के ना आ जाए और हमें मार दे, तो इससे पहले हम उन्हें मार दे। तो बेसिकली मैंने प्लान थोड़ा चेंज करा, मैंने बोला यार एक काम करते हैं घर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रेड जोन भी है, अगर बम पड़ा तो जो है हम ख़त्म भी हो जाएंगे और जोन के अंदर भी नहीं है। तो सामने जो है स्मोक भी ख़त्म हो चुका था और बंदा नहीं दिख रहा था, तो मैंने फटाफट इन दोनों को बोला कि घर की तरफ आओ, घर की तरफ आओ फटाफट भागते हुए, इससे क्या है कि हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे रेड जोन से भी। ये दोनों भी पीछे पीछे मेरे घर पे आ चुके थे, लेकिन मुझे पता था बंदा किस साइड में, तो मैं वहीं पे देख रहा था और मुझे वो बंदा दिख भी गया था। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको एक जगह जहाँ पे मेरे को वो बंदा दिखा था। मैं इधर देख रहा था ऐसे करके कि भाई यहाँ पे कहीं बंदा है, बंदा है, और मुझे हल्का सा दिखा था, लेकिन उसके बाद जो वो मुझे दोबारा नहीं दिखा, वो गायब सा हो गया। वो देखिए वो बंदा मेरे को दिख गया था, वो देखिए वहाँ पे लेटा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है मेरे को अभी वीडियो जब मैंने बाद में देखी तो मुझे दिख रहा था, लेकिन वैसे वो मुझे बंदा नहीं दिख रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई वो बंदा लेटा तो है उधर दिख तो रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा था। अभी रिकॉर्डिंग के टाइम जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे भी वो अच्छी तरीके से क्लियर दिख रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे जो दोनों फ्रेंड्स के ऊपर फिर से किसने हमला करा, और नंबर 3 फटाफट से नॉक हो गया और नंबर 1 भी जो है नॉक हो गई। तो मुझे दिख गया था वो बंदा कहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा उसको लेट के सावधानी से मारा। अब ये दोनों तो यहाँ पे नॉक हो गए थे, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी, ब्लू जोन भी आ गया था और साथ में ये दोनों नॉक भी हो गए थे। तो मैंने इन दोनों को देख के बोला कि तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा, तुम दोनों को नॉकआउट से रिवाइव करके ही हम चिकन डिनर जीत पाएंगे। और जैसे ही मैं रिवाइव कर रहा था, पीछे से जो है बंदे आ गए, और इन्हीं की कमी थी क्योंकि ऊपर से ब्लू जोन और इनको रिवाइव भी करना, तो यहाँ पे मेरा निशाना बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगा और मुझे भी यहाँ पे उन्होंने मार दिया।